शहर में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक नगर विकास विभाग द्वारा नगर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के तहत विकास कार्यों को लेकर 17 बिंदुओं पर चर्चाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विशेष सचिव नगर विकास डॉक्टर राजेंद्र पेसिया कानपुर नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि बैठक में गड्ढा मुक्त सड़कें, अंत्येष्टि स्थलों की साफ सफाई, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पेयजल टेस्टिंग व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल क्लैरिफिकेशन, स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्यों पर चर्चाएं की गई। वहीं विशेष सचिव ने बताया कि नगर निगम ने 100 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें से लगभग 70% कार्य किया जा चुका है और 15 नवंबर तक 30% गड्ढा मुक्त सड़कों का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। नगर विकास विभाग द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक नगर सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया। उसमें कुल 17 बिंदु हमने चिन्हित किए थे, जिसमें कहाँ जल भराव हो रहा है और यदि कहीं पर गड्ढे हैं तो उन गड्ढों को भरा जाना, उसके बाद अंत्येष्टि स्थल हैं उनकी स्थिति क्या है, वहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था क्या है, कान्हा गोवंश आश्रय वहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था क्या है, अमृत के अंदर काम क्या हो रहा है, पीएम स्वनिधि में काम क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या काम हो रहा है और विभिन्न स्थानों के ऊपर जो पेयजल के नमूने हैं उनको एकत्र कर उनकी टेस्टिंग कराया जाना और क्लोरिफिकेशन किया जाना ताकि जल हमारा शुद्ध हो, और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत, अमृत योजना के अंतर्गत, तो एक पूरी विस्तार से 17 बिंदु बने हुए, उन सभी पे समीक्षा किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।